कैलाश पुलिस को मुखबिर की सूचना के आधार पर शुगर फैक्ट्री के परिसर में एक सरकारी क्वार्टर के पास अवैध हथियार बनाने का कारखाना चलाने की सूचना मिली थी। उसमें मौके पर पुलिस टीम ने पहुंचकर देखा तो टीन शेड में लोहे की नाल को एक व्यक्ति ग्राइंडर से घिस रहा था व एक और व्यक्ति एक कट्टे पर वेल्डिंग कर रहा था। जैसे ही उन्हें गिरफ्तार कर पकड़ने की कोशिश की तो दोनों व्यक्ति पुलिस को देखकर पीछे के रास्ते से झाड़ियों में कूदकर भाग गए। बाद में क्वार्टर के बगल में लगे टीन सेट की तलाशी लेने पर मौके पर एक मावजोनुमा हाथ की बनी हुई लोहे की बंदूक, एक 315 बोर का हाथ का बना कट्टा, चार 315 बोर एक खाली खोखे, एक 315 बोर का जिंदा राउंड, एक वेल्डिंग मशीन, ग्राइंडर मशीन, एक ड्रिल मशीन तथा देसी कट्टे बनाने के पुर्जे व उपकरण मिले जिन्हें विधिवत जब्त किया गया। उसके बाद थाना वापसी पर अपराध क्रमांक 393/22 धारा 251A आर्म्स एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। यहाँ पता नहीं चला था कि इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही थी जिसके तहत अवैध कट्टे बनाने की सामग्री प्राप्त हुई, जिसमें से एक जिंदा राउंड, एक ये जो एक राइफल नुमा एक हथियार और एक देसी कट्टा और साथ ही वेल्डिंग मशीन में बहुत सारी सामग्री उसमें जब्त हुई। अभी कोई आरोपी वहाँ से पकड़ा गया? अब तक इसमें एक नामजद आरोपी और एक अज्ञात है जिसकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी और उसमें पतारसी में पुलिस लगी हुई है।